गलती कॉलेज की ओर से विश्वविद्यालय का अड़ियल रवैया दांव पर लगा है। 10 छात्राओं का भविष्य है, नतीजा अब हताश छात्राएं आत्महत्या की चेतावनी दे रही हैं। लेकिन गंभीर बात यह है कि विश्वविद्यालय छात्राओं की पीड़ा को समझने के बजाय उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की बात कर रहा है। मामला अजमेर में एमडीएस विश्वविद्यालय से जुड़े कुचामन सिटी के बीआर काबरा महिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान का है। इन छात्राओं ने वर्ष 2018 में द्वितीय वर्ष की परीक्षा दी, लेकिन इनकी ओएमआर शीट जांचना और उसकी अंक विश्वविद्यालय को भेजना कॉलेज भूल गया, जिसका नतीजा यह निकला कि विश्वविद्यालय ने इन छात्राओं को परीक्षा में अनुपस्थित माना। अब ये छात्राएं पिछले कुछ महीनों से कॉलेज और विश्वविद्यालय की चक्कर काट रही है, लेकिन विश्व परीक्षा नियंत्रक एस दत्ता का अपना तर्क है कि वे मानते हैं कि इस पूरे मामले में छात्राओं का कोई दोष नहीं है, लेकिन नियमों का हवाला देते हुए वे इस मामले में इन छात्राओं की मदद से इनकार करते हैं। परेशान छात्राएं अब अपने खराब होते साल का हवाला देते हुए आत्महत्या करने की चेतावनी दे रही हैं। हम 10 छात्राएं जिन्होंने एमडीएस यूनिवर्सिटी द्वारा हमें फेल दर्शा दिया। हम 30 लड़कियां थी, जिसमें से 20 की तो ओएमआर सीट भर दी गई कॉलेज से और 10 की वो भरना भूल गए थे, जिसके कारण है ना हमें अब्सेंट दर्शाया गया। उसके बाद जैसे हमें पता चला और कॉलेज वालों को पता चला तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली और हमने भी यहाँ आके हमारे रिजल्ट के लिए मिन्नती की, लेकिन यहाँ परीक्षा प्रशासन सर सुनने को भी तैयार नहीं है। हमने बोला कि सर अगर कॉलेज से गलती हुई है तो उस पर कुछ कार्यवाही करो या उनको कुछ ना कुछ करो, लेकिन हमारा तो रिजल्ट निकाल के दो। लेकिन वो फिर भी बोलते हैं हमें कि आपकी यही गलती है कि आप उस कॉलेज के स्टूडेंट हो। आज काबरा कॉलेज के कुछ बच्चे आए थे जो पिछले साल बीएड के बच्चे हैं, उनके कोई इंटरनल मार्क्स नहीं चढ़े हैं, इस वजह से वो आए थे। मामला ये है कि इस बार जो भी हमने एग्जामिनेशन करवाया उस पर हमने ये कहा था, 3 चिट्ठियां हमने कॉलेजेस को दी हैं कि रिजल्ट निकलने से पहले जो भी इंटरनल मार्क्स या जो भी सेशनल मार्क्स उनके पास हैं वो हमें पूर्ण रूप से सबका एक साथ भेज दें, ताकि किसी बच्चे का बच्चा वंचित नहीं जाए और उसका रिजल्ट रुके नहीं। पर काबरा कॉलेज ने कुछ इंटरनल असेसमेंट रिजल्ट निकलने के बाद हमें भेजा, और क्योंकि नियम है कि रिजल्ट तक जो भी डिटेल्स आ जाती हैं जिन बच्चों के आए हैं उनको ही हम सम्मिलित कर सकते हैं, तो इन बच्चों के अवार्ड्स हम सम्मिलित नहीं कर सकते क्योंकि ये उनके अवार्ड।